अनीसा ने नजाकत से खूंटी से तौलिया उतारा और बाथरूम में चली गई। बिहारी बिटर बिटर ताकता रह गया। बस नहाते समय आज पहली बार उसे बाथरूम में बदबू आई थी। उसने चारों तरफ देखा, कितनी गंदगी मची हुई है, पर पिछले 3 महीनों से उसे इस गंदगी का एहसास नहीं हुआ। होता भी कैसे, जब से इस घर में आई है जलीकटी ही तो सुनी है उसने। दिन रात पीटी है, कभी बूढ़ी अम्मा से तो कभी बिहारी से। कमबख्त हाथ ऐसे चलाता है जैसे हथौड़े चलाता है। उसने कमीज उतारी और पूरे बदन पर नजर दौड़ाई। काश कभी प्यार से उसने इस जिस्म को निहारा होता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल काक, कहानी दिल से। आज हम आपको कहानी सुनवा रहे हैं एक थी अनीसा, जिसे लिखा है डॉक्टर गीता डोगरा ने। अनीसा का जैसे सारा बदन तप रहा था, एक कसमसाती सी लहर जिस्म को जैसे तोड़ रही थी। आंखें खोली तो लगा जैसे बोझिल सी है, पर बावजूद इसके उसे महसूस हुआ रात की खुमारी घुल मिल गई है। उलझे बाल जैसे सावन की घटा बनकर सारे वजूद को मदमस्त कर गए थे। अपने हाथों की उंगलियों से उसने एक लट को गल दिया और माथे पर ले आई। लिहाफ परे किया तो उसे महसूस हुआ वो सचमुच कितनी खूबसूरत हो गई है। अपने गोरे चिट्टे पांव पर हाथ फेरते वो खुद निहाल हो रही थी। साटन के गुलाबी सूट पर सलवटें इतनी कि वो उन्हें हाथ से निकालने की कोशिश करती करती बाहर आ गई। दरवाजे पर बाहर खड़ी होकर उसने आंगन को झांका। बिहारी मिट्टी के चूल्हे को फूंके मार रहा था। बूढ़ी अम्मा आलू काटती चिल्ला रही थी, तुम बेकार में क्यों सांस खींच रहे हो, आज तक कुछ भी हो सका है तुमसे। बिहारी ने आव देखा ना ताव, कटे आलुओं की थाली पटक दी। तेरी बोलने की आदत नहीं छूटेगी, सारी उम्र खपा दी बक बक करके, किया धरा कुछ नहीं है, पेड़ा गर्क हो तेरा। अम्मा ने चाकू फेंका और उठ खड़ी हुई। अचानक उसकी नजर अनीसा पर पड़ी तो जबरन होंठों पर मुस्कुराहट ले आई। उठ गई रानी, जा जा नहा धो ले, मैं बनाती हूं तब तक कुछ। तब तक बिहारी भी चौकन्ना हो गया था। उसने अनीसा की ओर देखा पर उसकी नजरों की ताव न झेल सका और झट से आंखें झुका ली। अनीसा ने नजाकत से खूंटी से तौलिया उतारा और बाथरूम में चली गई। बिहारी बिटर बिटर ताकता रह गया। बस नहाते समय आज पहली बार उसे बाथरूम में बदबू आई थी। उसने चारों तरफ देखा, कितनी गंदगी मची हुई है, पर पिछले 3 महीनों से उसे इस गंदगी का एहसास नहीं हुआ। होता भी कैसे, जब से इस घर में आई है जलीकटी ही तो सुनी है उसने। दिन रात पीटी है, कभी बूढ़ी अम्मा से तो कभी बिहारी से। कमबख्त हाथ ऐसे चलाता है जैसे हथौड़े चलाता है। उसने कमीज उतारी और पूरे बदन पर नजर दौड़ाई। काश कभी प्यार से उसने इस जिस्म को निहारा होता। अनीसा ने अपने जिस्म को हथेलियों से सहलाया तो उसके झुरझुरी सी फैल गई। क्यों टिक गई बिहारी के घर की दहलीज के अंदर, पर जाती भी कहां, बदकिस्मत थी। मां बाप का साया उठ गया था, यहां आई तो पति निकला शराबी। वो सोचती है तो मुंह पर गाली आ जाती है, हरामजादा पिल्ला, सोचा नहीं कुछ मेरा, धर दिया हाथ बिहारी के हाथ में, इससे तो अच्छा था मैं किसी के साथ भाग जाती। अनीसा ने शरीर पर साबुन मलते हुए सोचा, पर धीरे धीरे साबुन मलती जाती और सोचती जाती। बिहारी के घर की भूख अभी तक उसके गले में फंसी हुई थी। वो दहेज में तो कुछ न लाई थी सिवाय मन की पीड़ा के, और यहां भी उसे मिली भूख, मार, ताने। उसके हाथ एकाएक रुक गए। अपने सारे जिस्म की मैल धोने के बाद एक बार फिर खुद को देखा तो वो दर्द से भर उठी। मैंने भी खुद को कहां पहचाना। फिर उसने बिहारी के जिस्म के बारे में सोचा। सारी तस्वीर उसके सामने घूम गई। वो मटमैला सा, पसीने से भीगा, दुर्गंध छोड़ता जिस्म, किसी कुत्ते की तरह ही तो पिल जाता है उसके जिस्म पर। वो जब जब भी उसकी कठोरता से छूटने का प्रयास करती है वो थप्पड़ जड़ देता था उसके गाल पर, कभी बाल नोच लेता था, और जब अलग होता है
तो होंठों पर जीभ फेरता गालियां बकता है। साली दो टके की औकात नहीं और नखरे करती है, तेरे को शक्ल देखने को नहीं लाया। राम जाती न दान दहेज न रुपया न पैसा लाया काय को तू यहाँ पे मेरे को, इसलिए ना कि तू जनानी है बस। हजारों मिलती हैं ऐसी तो वो ले आता। अनीसा रोते हुए कहती, क्यों लाया मुझे, अब छोड़ देना, चली जाऊंगी कहीं। तेरी माँ की कुतिया बकवास करती है, जुबान लड़ाती है मेरे साथ। और बिहारी के घूंसों की बरसात से लगभग वो बेहोश हो जाती। हर रात यही होता था। कई बार उसका मन होता है भाग जाए, रात के अंधेरे में ही कहीं निकल जाए, पर बूढ़ी अम्मा की चारपाई हमेशा आंगन के बाहरले दरवाजे के पास रहती है। रात को सोने से पहले वो भीतर से ताला लगाना कभी नहीं भूलती थी। सुबह उठती है तो बूढ़ी अम्मा उसके सारे जिस्म के भूगोल को पढ़ लेती है। क्यों नासपीटी, फिर रात को दिखाए नखरे, हरी जन्म जल्दी क्यों सताती है मेरे बेटे को। फिर वो धड़कसार ही सिर पकड़कर बैठ जाती, मुंह में बुदबुदाती रहती, फिर एकाएक उसकी आवाज तेज होती जाती है। कल मुंह ही जब से तेरा पैर पड़ा है फाके लग रहे हैं। अरे मैं नहीं जानती थी कि तेरा भाई इतना हरामी निकलेगा। कमबख्त ने हार्ड मास का ये बुत दे दिया हमें बस बिहारी को, ना हिलता है ना बोलता है, पत्थर है पत्थर, वो भी जो छाती पर धरा रहता है। फिर वो एकाएक उठती है और अनीसा को बालों से खींचकर बाहर आंगन में ले जाती है। कभी चिमटा कभी झाड़ू वो कसकर हाथ में पकड़ती और उसके जिस्म को लहू लुहान कर देती। कितने महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा और एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। उसे याद है सर्दियों की शाम गिरते ही सभी खाना खाकर अपने अपने लिहाफ में घुस गए थे। अनीसा अपने कमरे में करवटें बदलती रही, उसे नींद ना आ रही थी। वो जानती थी जैसे ही उसकी आंख लगेगी बिहारी उसे टांगों से मारता घसीटता लेगा, इसलिए वो जागना ही चाहती थी। पर आधी रात बीतने पर भी जब बिहारी ना लौटा तो उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि बिहारी चुपचाप उसकी बगल में आकर लेट गया। वो हैरान थी कि आज उसके स्पर्श में इतना स्नेह क्यों है, उस पर जैसे नशा छा रहा था। एकाएक उठी, नहीं ये तो बिहारी नहीं, पलंग से छलांग लगाकर उसने बत्ती जला दी। इससे पहले कि वो चीखती अजनबी के हाथ उसके मुंह पर था। चीखने का कोई फायदा नहीं, पूरे 500 देकर आया हूं मैं तेरे मर्द को। और वो बुढ़िया, उसने 50 लिए 100 अलग। वो आवाक खड़ी थी। उसने एकाएक सोचा, रोज रोज मरने से तो ये बुरा नहीं है, सती सावित्री क्यों बने। और वो हर रात का चिराग बन गई। अनीसा के हाथ रुक गए, वो पुराने निशानों को सहलाते ठहर गई। बाहर अम्मा पुकार रही थी, ले रानी सूट ले ले, वही कपड़े मत पहन। अनीसा ने जैसे धड़ाक से बाथरूम का दरवाजा खोला तो अम्मा जैसे हड़बड़ा गई, कल मुही शर्म नहीं तुझे जो नंगी दड़ंगी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। शर्म क्या होती है अम्मा, कहो तो ऐसे ही आंगन में आ जाऊं। अनीसा जोर जोर से हंसने लगी। अम्मा दरवाजे के ऊपर कपड़े टांगकर पलट गई। अनीसा ने वैसे ही खड़े खड़े गीले बदन कपड़े पहन लिए और बाथरूम से बाहर आ गई। बिहारी कमीज पजामा पहन अभी बाहर ही निकलने को था तो अनीसा ने आवाज दे दी, क्यों बिहारी लाल जी कहां चल दिए, तू कुछ ज्यादा इलर्ज रही है, 2 दिन में बड़े डायलॉग आने लग गए तेरे को। 2 दिन में नहीं मेरी जान, 2 रात कहो। देखो अम्मा सुन रही है ना, बिहारी के नथों में फूलने लगे थे, तू चुपचाप जा मैं देखती हूं। अम्मा ने उसे लगभग बाहर धकेल दिया। अनीसा ने अपने गीले बालों को झटका कुछ इस तरह दिया कि बरसात की बूंदों की तरह पानी अम्मा पर जा गिरा। क्या करती है रानी तू, पहले कुछ खाने को लाओ, अनीसा कहकर कमरे में चली गई। पलंग की बेतरतीब चादर बदल दी गई। सीलन की बदबू बेशक कमरे में फैली थी पर कमरा ठीक ठाक दिख रहा था। अनीसा पलंग पर आकर बैठ गई और टांगों को जोर जोर से हिलाने लगी। अम्मा थाली में रोटी डालकर ले आई तो अनीसा बोली, यहां मेरे पास बैठ अम्मा। अम्मा बैठ गई तो टांगे उसी की तरफ फैलाती हुई अनीसा चपाती तोड़ती बोली, तुम मां बेटे की मेहरबानी तो मेरी समझ में आ गई, अब आगे क्या इरादा है।
देखिए सवाल अपने मर्द से, मैं ठहरी बूढ़ी ठेरी, क्या करे हो और क्या धरे हो। अम्मा बाहर निकलने को हुई तो अनीसा ने बांह पकड़ ली। ये तू अब जो रानी रानी पुकार रही है, पहले तो कभी नहीं कियो। अब क्यों? बूढ़ी अम्मा ने आंखें झुका ली और चुपचाप बांह छुड़ाकर बाहर निकल गई। पर अचानक अनीसा उदास हो गई। रोटी की थाली उसने एक तरफ कर दी और चुपचाप लेट गई। रोजमर्रा का धंधा था वो, पर बिहारी बदल रहा था। उसके बदन से पसीने की बदबू ना आती थी अब। उसके पांव भी गंदे ना थे, ना ही मुंह से थूक गिरती थी। अनीसा भी निखर आई थी, उसका रंग गुलाबी हो गया था, आंखें शरबती। वो मुंह से कम बोलती थी, आंखों से ज्यादा। अम्मा उसके अब सारे काम करती थी, कपड़े धोना, खाना बनाना, पर वो अनीसा से बचती थी। अनीसा के पास फुर्सत भी कहां थी, वो अपने कमरे में ही रहती थी। हर रोज पलंग की चादर बदल जाती और मासूम सी बनी अनीसा किसी न किसी से उलझी रहती। बिहारी या तो आंगन में रहता था या कमरे में बाहर बैठा रहता था, पर कान उसके अंदर ही लगे रहते थे। अम्मा की चारपाई आंगन के दरवाजे से उठकर नए बने कमरे में चली गई थी। अब सिर्फ सांकल लगती थी, ताला उठ गया था और ये काम करता बिहारी। घर का जैसे राजपाट ही पलट गया था। हुकुम चलाती अनीसा, बजाता बिहारी। उस रात बिहारी अनीसा की पलंग पर आ गया। अनीसा खाली थी, दोपहर से कोई ग्राहक न था। क्या बात है बिहारी, शहर के सारे मर्द मर गए क्या, जो तू कुत्ते की तरह लार टपकाता हुआ यहां आ गया। तेरा मर्द हूं, बिहारी ने थूक निकलते हुए कहा। इंसान हूं, हाड मास का, मेरा मन भी तो करता है ना। अच्छा, अनीसा ने हैरानी से कहा, तो तू मर्द है। और वो जोर जोर से हंसने लगी। देख अनीसा, दिल मत तोड़, आज मान जा, फिर तेरा जिस्म दोपहर से खाली है। तू ये कैसे सोच लिया बिहारी कि तू मर्द मेरा, तू तो दल्ला है, दल्ला मेरा, और मेरी कमाई खाए तू, हड़ाए तू, और अपने आप को मर्द कहता है। मत कह मर्द, गाली लगती है मुझे, निकल बाहर यहां से, वो चिल्लाई। अनीसा की आंखों में आंसू बहने लगे, पर वो बिहारी के आगे कमजोर नहीं होना चाहती थी। आंसू पहुंचकर वो पलंग पर बैठ गई। बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर खड़ी थी और बिहारी कमरे के बाहर हो